मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हैं। बाला साहब ठाकरे का एक मशहूर नारा हुआ करता था, वो कहते थे 80% समाजकरण, 20% राजकरण, यानी 80% समाजवाद और 20% राजनीति। बाला साहब की ये बात आज धत्ता साबित हुई और इसे आज धत्ता साबित करने वाले खुद उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे। आज मराठी मानूस के प्रतिनिधि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की आमची मुंबई को फक्त आमची मुंबई कर दिया। बाला साहब होते तो ऐसा नहीं होता। बाला साहब का घमंड अलग तरह का था, वो मराठों को उनकी भागीदारी के प्रोत्साहक थे, इस वजह से वो बाहरी के खिलाफ थे, लेकिन उनके काल में कभी भी लोगों की उचित अभिव्यक्ति के आधार को कई मील तक कभी नहीं छुआ गया। उद्धव ठाकरे के बारे में हमेशा ये कहा गया कि उनमें बाला साहब जैसी बात नहीं है, ये उद्धव ने आज साबित कर दिया। शिवसेना में अध्यक्ष जो होता है वो सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन बाला साहब के बाद उद्धव ने ये पद नहीं संभाला और शायद वो इसके लायक भी नहीं थे, क्योंकि लोग उद्धव ठाकरे से ज़्यादा बाला साहब ठाकरे की छवि राज ठाकरे में देखते हैं। उद्धव ने मातोश्री की परंपरा को तोड़कर राजनीतिक पद पर किसी भी तरह बैठ जाना ठीक समझा। वो निरंकुश तानाशाह बनने की ओर अग्रसर है और ये बाल ठाकरे की बपोती के लिए पतन का पहला पड़ाव है। ऐसा नहीं है कि बाल ठाकरे निरंकुश नहीं थे और अपंजीकृत शासक थे, पर फिर भी महाराष्ट्र उनसे प्रेम करता था, दीगर हिंदुस्तान भी कई हिस्सों में उनसे प्रेम करता था। जब वो गए तो 20 लाख मराठी और दीगर हिंदुस्तानी आवाम सड़कों पर उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटी थी और ये हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम बार हुआ है। उद्धव ने सींचे हुए शिवसेना के पौधे को जड़ से उखाड़ डाला है और ये उनकी खुद की जड़ें हैं। वो कालिदास की तरह पेड़ की शाखा पर बैठकर उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर वो खुद बैठे हैं। वो बाबर से ज़्यादा मोहम्मद तुगलक नज़र आते हैं। खबर पर चलने के लिए ये विश्लेषण लोकतंत्र के इकबाल के लिए कहा जाना ज़रूरी था, वो हमने कहा। वो एक पागल बादशाह नज़र आते हैं। मुंबई पहुंचकर कंगना रनौत ने एक 68 सेकंड का वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि आज मैं आपको एक वादा करती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देश के लोगों को जगाऊंगी। कंगना ने कहा, ठाकरे ये जो क्रूरता और आतंक मेरे साथ हुआ है उसके कुछ मायने हैं। मुंबई को पीओ के कहने के विवाद के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत बुधवार यानी आज दोपहर 2:45 पर मुंबई पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ, उनके समर्थक और विरोधी आज आमने सामने आ गए, उन्हें वीआईपी गेट की बजाय दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। वे एयरपोर्ट से सीधी खार स्थित अपने घर पर ही पहुंची। फिलहाल एक्ट्रेस की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। पर घर पहुंचते ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी। ऐसा कंगना करती रहती हैं। उन्होंने आज कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है। आज मैं आपको एक वादा करती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाने वाली हूँ, अपने देश के लोगों को मैं जगाऊंगी। ठाकरे ये जो क्रूरता और आतंक मेरे साथ हुआ है उसके माने हैं, जय हिंद जय भारत। ये खबर थी, पर आगे भी थोड़ी सी बात हम आपसे करना चाहते हैं। वर्ष 2018 के अंतिम दिन एक विस्तृत रिपोर्ट जारी हुई थी। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, ऐसा रिपोर्ट कहती थी। फ्री स्पीच कलेक्टिव की एक विस्तृत रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। कंगना के साथ भी यही हुआ है। अभी अभी कंगना ने संजय राउत को जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया। एक्ट्रेस वीडियो में बता रही हैं कि देश की महिलाओं के साथ रेप होते हैं, उन पर एसिड फेंका जाता है, ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि समाज की सोच घटिया है। अब कंगना ने इसके बाद संजय राउत को भी इसी सोच से प्रभावित बता दिया है।
लेकिन इसके बहाने क्या है बताना कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका आधार होना जरूरी है और आज शायद कंगना के पास इसका आधार है। कंगना ने तो ये भी उस समय याद कर लिया जब आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि देश में रहने से अब डर लगता है। उन बयानों को याद करते हुए कंगना कहती है, जब आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने देश के खिलाफ कहा था तब तो किसी ने उन्हें गाली नहीं दी थी, फिर जब मैंने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन किया तो मुझे गाली क्यों दे दी गई। संजय राउत कंगना को गाली दें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, और कंगना देश के मुद्दे पर बात करें तो महाराष्ट्र के ठेकेदार कुछ भी करेंगे, घर तोड़ देंगे, वो भी हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए। एक महिला के खिलाफ देश में चल रही इस तरह की हरकत को बाला साहब कहीं से देख रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपको बाला साहब के नज़रिए से आज के दिन को देखना होगा। देश के लोकतंत्र में निराशा और हताशा से भरे हमारे वीडियो को देखकर आपको न्याय की उम्मीद खत्म होती नज़र आएगी, पर क्या तानाशाही और इस तरह से चुपचाप अगर आप इसे सहते रहे, अगर हाँ तो आपके लिए हमारा वीडियो किसी काम का नहीं है। कवि पाश की कुछ लाइनों से हम इसे खत्म कर रहे हैं, शुक्रिया। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर ये सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लो में पड़ना मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर ये सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह कटता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।